दोस्तों आईपीएल 2024 के विजेता हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और इस मैच में गौतम गंभीर ने तो रिकॉर्ड बनाया है, साथ ही श्रेयस अय्यर ने रिकॉर्ड बनाया है और आईपीएल में केकेआर ने भी और एसआरएच ने भी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। तीन रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या क्या रिकॉर्ड टूटे हैं। केकेआर तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बना है, इससे पहले 2012 में जीता था, फिर 2014 में जीता, उसके बाद 2024 में जो है जीत की जो ट्रॉफी है वो केकेआर के घर आई। आपको बता दूं कि फाइनल का जो मुकाबला है वो 26 मई को चेन्नई में चिपॉक स्टेशन मैदान पर खेला गया था और यहाँ पर टॉस जीती थी हैदराबाद ने, पैट कमिंस टॉस जीते थे, टॉस जीत करके पहले बैटिंग का फैसला किया था लेकिन ऑल आउट हो गई थी टीम सिर्फ और सिर्फ 113 रनों पर। अगर हम स्कोर पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए, ट्रेविस हेड सिर्फ 0 पर आउट हुए पहली गेंद पर, गोल्डन डक ही नहीं मिला, राहुल त्रिपाठी 9 रन बनाकर आउट हुए, एडन मार्करम सिर्फ 20 रन बना पाए, नीतीश रेड्डी 13 रन पर आउट हो गए, हेनरिक क्लासन सिर्फ 16 रन बना पाए, शाहबाज अहमद भी यहाँ पर 8 रन बना पाए और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अब्दुल समद आए 4 रन ये बना पाए, पैट कमिंस कप्तान जो अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं 24 रन ये बना पाए 19 गेंदों में, इसके बाद जयदेव उनादकट और भुवनेश्वर कुमार जो है वो क्या ही करते। कुल मिलाकर के एसआरएच ने 113 रन बनाए ऑल आउट होकर के 18.3 गेंदों में। अब केकेआर के सामने थाली एकदम सजी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ 114 रन बनाने थे, उनके लिए जीतना बहुत आसान था। अब इस आसान जीत को और आसान कर दिया वेंकटेश अय्यर ने, आप सभी जानते हैं सुनील नारायण के साथ में जो है ओपनिंग करते हैं, हालांकि सुनील नारायण जो है वो आउट हो गए थे सिर्फ 6 रन पर, लेकिन यहां पर वेंकटेश अय्यर ने 26 गेंदों में 52 रन बनाए, साथ ही रहमानुल्लाह गुरबाज ने 32 गेंदों में 39 रन बनाए और श्रेयस अय्यर की भी बारी आ गई थी, उन्होंने भी 6 रन बनाए, लेकिन जो आखिरी का रन आया था वो आया था वेंकटेश अय्यर के बल्ले से, उनकी 50 आई। और जब भी कोई लो स्कोरिंग मैच होता है वहां पर अगर एक आध प्लेयर 50 लगा दे तो पूरा के पूरा जो है उस प्लेयर को श्रेय दे दिया जाता है, लेकिन इस मैच की जीत का श्रेय सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं बल्कि कोच गौतम गंभीर को जाना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि गौतम गंभीर ने जब जब केकेआर की कमान संभाली है तब तब क्या हुआ है। लिस्ट शुरू होती है 2011 से, जब गौतम गंभीर कप्तान थे कोलकाता नाइट राइडर्स के, तब प्लेऑफ में टीम गई थी, 2012 में कप्तान थे, विनर्स बने थे, 2013 में कप्तान थे, वहां पर लीग स्टेज में गई थी, 2014 में कप्तान थे तब भी केकेआर जीती थी, 2015 में भी गौतम कप्तान थे लीग स्टेज में गई थी, 2016 में गौतम कप्तान थे तब प्लेऑफ खेला था और आखिरी बार 2017 में गौतम कप्तान थे तब प्लेऑफ में गई थी और उसके बाद जो है अब वापसी होती है 2024 में एज ए मेंटोर केकेआर में और 2024 का सीजन केकेआर जीती है। 10 सालों बाद वो 10 सालों का सूखा केकेआर का समाप्त हुआ है और आखिरकार कोरबल ओर पर जीत बो का जो इनका नारा है वो सच हुआ, गौतम गंभीर की कप्तानी में यहाँ पर ये जीते। तो गौतम गंभीर ने जो रिकॉर्ड तोड़ा भैया, किसी टीम को पहले साल मेंटोर करो, और क्योंकि 2008 में जब आरआर जीता था तब यहाँ पर मेंटोर वाला वो था ही नहीं कॉन्सेप्ट, मेंटोर वाला कॉन्सेप्ट बाद में आया, तो पहली बार जब किसी टीम को मेंटोर कर रहा है कोई भी मेंटोर तो उस सीजन टीम को जिता देना, ये गौतम गंभीर का रिकॉर्ड था। अब यहाँ पर दूसरा जो रिकॉर्ड है वो बनाया है श्रेयस अय्यर ने, श्रेयस अय्यर इस बार केकेआर को जिताने के साथ साथ पहले आईपीएल के ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने दो टीमों की कप्तानी करी हो और दोनों टीमों को फाइनल तक पहुंचाया हो, दिल्ली कैपिटल्स को 2020 में पहुंचाया था और यहां पर 2024 में केकेआर को सिर्फ पहुंचाया नहीं है जिताया है। और जो तीसरा रिकॉर्ड है वो बनाया है एसआरएच ने और ये रिकॉर्ड है आईपीएल के फाइनल में सबसे कम लो स्कोर बनाने का। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं कि नंबर वन पर कि एसआरएच का ये 113 का रिकॉर्ड है वर्सेस केकेआर 2024 में, सबसे कम टोटल है आईपीएल फाइनल का किसी भी आईपीएल फाइनल का। इसके बाद दूसरे नंबर पर सीएसके का 125 पे 9 विकेट है मुंबई के खिलाफ 2013 में बनाया था जब मुंबई जीता था। तीसरे नंबर पर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का 128 पे 6 विकेट है मुंबई के खिलाफ 2017 में तब भी मुंबई जीता था। और चौथे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स का 130 पे 9 विकेट का है गुजरात के खिलाफ जब गुजरात टाइटंस 2022 में जीता था। और जिस टीम ने भी लोएस्ट स्कोर बनाए हैं वो टीम हारी है, हमेशा जो जीतने वाली टीम रही है वो इस स्कोर को चेस करने वाली रही है और इस बार भी ऐसा हुआ। एसआरएच ने बनाए 113 रन जिसे आसानी से चेस कर लिया केकेआर ने, लेकिन केकेआर की ये जीत दोस्तों अलग अलग मायने से देखी जा रही है। गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बनने वाले हैं, खबरें यहाँ तक हैं कि शाहरुख खान ने जो है उनको ब्लैंक चेक दिया है कि वो केकेआर के कोच बने रहे अगले 10 साल के लिए। ब्लैंक चेक का मतलब आप समझिए खाली चेक, रकम आप भरिए चेक हमने दे दिया, लेकिन गौतम गंभीर पैसों के लिए बिकने वाले शख्सियत हैं ही नहीं। गौतम गंभीर जो हैं वो ज़रूर अप्रोच करेंगे टीम इंडिया का हेड कोच बनने के लिए और वही बनेंगे। हमने आपको वीडियो बताया था कि क्यों गौतम गंभीर ही बनने वाले हैं टीम इंडिया के हेड कोच और गौतम गंभीर ने फिर से ये प्रूव कर दिया है कि क्यों वो बेस्ट जो है पर्सन है इस पोस्ट के लिए राहुल द्रविड़ के बाद टीम इंडिया के हेड कोच बनने के लिए।
केकेआर की इस जीत के बाद शाहरुख खान ने अपना मास्क उतारा और काव्या मारन तो रोने लगी। उन्होंने पीठ घुमा ली थी, वो अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी, रो रही थी। लेकिन काव्या मारन की भी काफ़ी तारीफ करनी होगी। जब वो पैट कमिंस को जब खरीदा था इतना महंगा, तब उनको भी काफ़ी ट्रोल किया गया था। और जिस तरीके से वो टीम बना रही थी तो उनको काफ़ी ट्रोल किया गया था कि ये क्या जाना है आईपीएल। लेकिन उन्होंने उसी एसआरएच को एक बार फिर से फाइनल तक लेकर आई हैं और उनका जो भी दिमाग लगा हो वो अच्छा खासा था। फाइटिंग वुमेन है, उनके लिए रिस्पेक्ट तो यार बनती है, लेकिन हार के बाद तो हर किसी के आंख में आंसू आ जाते हैं। काव्या मारन की आंख में भी आंसू थे, लेकिन शाहरुख खान बहुत खुश थे, श्रेयस अय्यर बहुत खुश थे और गौतम गंभीर की एनर्जी देखने वाली थी। कुल मिलाकर केकेआर जो है वो तीसरी बार बन गई है चैंपियन आईपीएल की। और अब आप कैसे बधाई देना चाहेंगे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आर्य स्पोर्ट्स के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पेज को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।